देखिए, कह रहा है लिखिए सत्य या असत्य, ठीक है, और अपने उत्तर के कारण दीजिए। हमें ये चेक करना है कि ये जो कथन दिए गए हैं ये सत्य है या असत्य है, और अपने उत्तर का कारण भी देना है। पहला देखिए, कह रहा है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। हाँ बिल्कुल सत्य है ना। आप देख लो, यहां पे मैं एक वृत्त ले लेता हूं, और इस वृत्त के क्या कह रहा है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से, वृत्त पर कोई बिंदु यहां ले लो, इससे मिलाने वाली जो रेखाखंड होगी वही क्या होती है, आपकी क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है। ये बिल्कुल सत्य है, और इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं, ये हम लोग जानते हैं ना जी। तो पूछ रहा है रीजन, कारण क्या है, सत्य है कारण क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। समझिए, वृत्त की त्रिज्या होती है। चलिए अब इसका